নির্বাচন যেতে পারো আপার ড্যাম লোয়ার ড্যাম দেখে উঠে টার্গেট করবে উপর থেকে এবার ঝালদার দিকে তো মুরগুমা আচ্ছা এমন টাইম অ্যাডজাস্ট করবে যাতে মুরগুমার দিকে তুমি যাওয়া শুরু করবে তোমার अच्छा जखन गए सनसेट टा देखते पाबो तो चलो अभी टाटा बोलते हैं इस रिसोर्ट को अरे गूगल बाबा ब्लॉक तो करने दो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्यू डेस्टिनेशन व्हिच इज अयोध्या ठीक है और हम लोगों का जो रिसोर्ट है उसका नाम है माथा फॉरेस्ट रिसोर्ट चलो भाई राइट सर राइट राइट शिट यार लो फ्यूल दिखा रहा है और इधर तो 30 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है पता नहीं यार गाड़ी बंद हो जाएगा तो दिन तो एकदम मुश्किल में पड़ जाएंगे यार वैसे गांव वालों से मिल जाता है पेट्रोल लो फ्यूल ऑलरेडी देखते हैं चलो भाई फिलहाल हम लोगों को निकलना था 8-9 बजे बट एज यूजुअल फिर से 2 घंटा लेट कर गए और ऊपर से ब्रेकफास्ट भी नहीं किए हम लोग तो रास्ते में कहीं से ब्रेकफास्ट कर लेंगे और अभी जाना है गूगल बाबा दिखा रहा है 110-115 किलोमीटर इधर से बट रास्ता उतना अच्छा तो नहीं है और उतना ख़राब भी नहीं है एक्चुअली बट हम लोगों को लगभग जाने में लगेगा 3 से 3.5 घंटा और भाई साहब अभी यार अभी डर लग रहा है मेरे को यार काफ़ी देर से लो फ्यूल दिखा रहा है मेरे को और अभी भी गाड़ी चल चुका है 20 किलोमीटर लो फ्यूल के ऊपर अभी पता नहीं कितना देर और चलेगा फाइनली पेट्रोल पंप तो मिला बट पेट्रोल पंप पे डालने वाला कोई नहीं मिल रहा है अच्छा पीछे से बोल रहा है कि ख़राब है अरे यार वो सामने शायद वो पेट्रोल पंप है अभी तक तो पता नहीं चल रहा हाँ भाई फाइनली पेट्रोल पंप मिला यार HP हो भाड़ा तो जो भी हो सब चलेगा अभी ओ इतना खुशी कभी कभी नहीं हुआ मेरे को पेट्रोल देख के मतलब पेट्रोल पंप देख के डन फुल फुल पेट्रोल पंप तक मेरा बाइक चला था 280 मतलब 280 और मेरा बाइक का जो फ्यूल कैपेसिटी है 9.25 9 पकड़ के चलो तो 280 और 9 लीटर का पेट्रोल का टैंक तो हिसाब लगा लो कितना दिया और अभी सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किए सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी के निकल गए हम लोग बट फिर भी यार लग रहा है बहुत लेट हो जाएगा अभी 1:15 बज चुका है और अभी दिखा रहा है 70 किलोमीटर इधर से रोड ट्रिप पे जब तुम निकलोगे और रूट तुमको अच्छे से पता नहीं होगा तो ऐसा तो होता ही है बट नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तब मेरे को सब पता रहेगा कहाँ पेट्रोल पंप है कहाँ पर रुकना है कहाँ पर हॉल्ट लेना है खाना पीना है वो सब पता रहता है बट अनजान रास्ते पे तो फर्स्ट टाइम ऐसा फेस करना ही पड़ेगा यार देवाशीष का बाइक बहुत दिक्कत दे रहा है कल से तो एकदम ठीक था बट लगता है पेट्रोल में कुछ मिलावट था इस वजह से इसका बाइक बार बार बंद हो रहा है वैसे हम लोग भी सेम पेट्रोल डाले हम लोगों का दिक्कत नहीं हो रहा है बट इसका बाइक का पहले से एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा भी पानी अंदर चला जाता है तो बाइक दिक्कत देना स्टार्ट कर देता है अभी बेचारा उधर बाइक स्टार्ट करने के लिए कितना मशक्क़त कर रहा है 4-5 बार हुआ है ओहो मज़ा आ गया भाई मज़ा आ गया क्या स्ट्रेच था भाई ओह वाह अपने अभी तो और भी बाकी है और वो देखो पहाड़ देखना स्टार्ट हो गया अभी फिलहाल पहुंच गए पुरुलिया ये एकदम 50% रास्ता हम लोग अभी कवर किए ये 50 किलोमीटर पे है ये प्रॉपर पुरुलिया है और अभी हम लोगों को जाना है और भी 50-60 किलोमीटर
तो अभी जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं इस जंगल में बहुत सारा हाथी है। कभी कभार इधर लोकल जो है उन लोगों को देखने को मिलता है, हम लोगों को तो नहीं देखने को मिलेगा शायद से, और अगर लक रहेगा तो शायद देख भी पाऊँ। ऐसे निकल के आता है सब हाथी और रोड क्रॉस करता है। वैसे तो इधर लीपर्ड भी था एक टाइम पे, बट अभी तो शायद नहीं है। अभी अब सिर्फ 11 किलोमीटर बाकी है और देखो यार कितना सुंदर लग रहा है ये जगह। वाव, मैं फर्स्ट टाइम इधर आया हूँ और भाई बोरंती से तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब पिछले वाले वीडियो पे आप लोग देखे होंगे, उससे तो भाई ये बहुत ही अच्छा है। तो अभी पहुँचते हैं रिसोर्ट पे, लगभग तो पहुँच ही चुके हैं और आप लोगों को दिखाते हैं ठीक है अच्छे से। और रिसोर्ट में हम लोग पूरा घूमेंगे, रिसोर्ट ये बहुत बड़ा रिसोर्ट है तो पूरा अच्छे से घूम के आप लोगों को दिखाएंगे। A few moments later. तो अभी आप लोगों को दिखा देते हैं हम लोगों का रूम। हम लोगों का रूम नंबर है 208। तो अंदर घुसते ही इधर दिया हुआ है एक सोफ़ा और इधर दिया हुआ है एक सामान वगैरह रखने के लिए, जिधर हम लोगों का जैकेट्स रखा हुआ है और ये इधर टेबल दिया हुआ है, एक टीवी दिया हुआ है, दो चेयर और बेड भी काफ़ी बड़ा है और टॉयलेट भी बहुत ही बड़ा है, बहुत स्पेशियस है और एकदम क्लीन है। और इधर सब कुछ किट वगैरह भी दिया हुआ है और टॉयलेट से भी इतना अच्छा व्यू आ रहा है बाहर। इधर शावर दिया हुआ है, टॉवल भी प्रोवाइड किया हुआ है। बंद कर देता हूँ। और सबसे जो बेस्ट अट्रैक्शन है इस रूम का, चेक दिस आउट, लुक एट द व्यू, बेड के साथ ही। ये पूरा एरिया रिजॉर्ट के अंदर ही है और हम लोगों का बाइक पार्क हुआ है उधर। और अभी फिलहाल नीचे चलते हैं और स्विमिंग पूल पे थोड़ा सा कूदते हैं ठीक है। और स्विमिंग पूल आप लोगों को दिखाता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। पूरा स्विमिंग पूल, अभी जाएंगे उधर थोड़ा सा फ्रेश होना है, उसके बाद रूम पे आके आप लोगों के साथ मुलाकात होगा। अभी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं पानी ठीक है। पानी तो सही है, तो चलो नहाते हैं इसके अंदर। बाप रे, बहुत ठंडा है भाई। Two hours later. तो अभी फिलहाल चलते हैं नीचे और आप लोगों को दिखाते हैं कि रिजॉर्ट कैसा लग रहा है। भाई टीवी बंद कर दे भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। और नीचे चल के थोड़ा सा गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय भी पी लेते हैं। और देखो ये दोनों का क्या हालत, 100 या 120 किलोमीटर हम लोग चलाए, इसमें इन लोगों का हालत ख़राब हो गया। रात का कुछ नज़ारा रिजॉर्ट का, और मैंने देवाशीष को बोला है मेरे मुंह के ऊपर थोड़ा सा फ्लैश मारने के लिए। और हम लोगों का बाइक ठीक रिसेप्शन के बगल में ही इधर पार्क है
और हम लोगों का जो रूम है वो ये है, ये इस रिसोर्ट का सबसे बेस्ट रूम है। और ये सब टेंट है, 1, 2, 3, 4 करके 5-6 टेंट और भी है, ये सब भी आप लोग बुक कर सकते हो। और इस सब का डिटेल में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फ़ोन नंबर दे दूंगा, जो लोग इधर आना चाहते हो तो आ सकते हो और उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग फुल इंक्वायरी आप लोगों को मिल जाएगा।